चूंकि इस प्रकार का एक अलग ही अपना सामर्थ्य रखती है, दुनिया में पुण्य कमाने के बहुत सारे उपाय हैं और पापों को धोने के भी बहुत सारे उपाय हैं। गंगा जी में डुबकी लगा लो, पाप गए। संत दर्शन कर लो, पाप गए। कुछ पाठ कर लो, पाप नष्ट हो जाएंगे। कई ऐसे स्तोत्र है जिसका पाठ करने मात्र से पापों की समाप्ति हो जाती है। पुण्य को प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय। अन्न दान कर लो, पुण्य होगा। जल दान कर लो, पुण्य होगा। वस्त्र दान कर लो, पुण्य होगा। भूमि दान कर लो, पुण्य होगा। कन्या दान कर लो, पुण्य होगा। धातु का दान कर लो, पुण्य होगा। कई पेड़ पौधे लगा लो, पुण्य होगा। पाप को समाप्त करने का हजारों उपाय, पुण्य को प्राप्त करने के भी हजारों उपाय है, लेकिन मन को विशुद्ध करने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत है। जब तक मन शुद्धि नहीं होती तो पुण्य करने वाले लोगों के भी पापों की मात्रा कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि हम इतने ही पुण्य किए, अब थोड़ा पाप भी कर ले तो क्या परेशानी है, हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं तो साथ साथ पाप भी कर ले तो बैलेंस हो जाएंगे, इसमें क्या नुकसान है। जब तक अंतःकरण विशुद्ध नहीं होता तब तक व्यक्ति का स्वभाव नहीं सुधरता, और जब तक स्वभाव नहीं सुधरता तब तक व्यवहार नहीं सुधरता, और व्यवहार नहीं सुधरता तब तक पुण्य भी बनते रहते, पाप भी होते रहते हैं। पापों का परिणाम तो जन्म है ही है, लेकिन पुण्यों का परिणाम भी जन्म है। चलो पापों की समाप्ति कर लो, पुण्य की समाप्ति कौन कर सकता है? मोक्ष कब होता है? मोक्ष तब नहीं होता कि व्यक्ति पुण्य करने लगे। पाप न करे और पुण्य करे, ये भी मोक्ष का उपाय नहीं है। मोक्ष का उपाय होता है कि पापों की समाप्ति हो, पुण्यों की भी समाप्ति हो, और हम जो कुछ धर्म करे, कर्म करे, मेरे शरीर से कोई कर रहा है ये समझ कर करे, न तो हम पर पाप का बोझ आवे, न हम पर पुण्य का बोझ आवे। ये मुक्ति का उपाय, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, इच्छा हमारी है तो कर्म हमारा बन गया। देखो बहुत सरल शब्दों में, संसार में, घर में, परिवार में, इसमें रहकर मुक्ति का दरवाजा खोलना है। भागवत के तो हर बात मुक्ति की ओर ही जाएगी। परिवार में रहकर, प्रवृत्तियों में रहकर भी हमें मुक्ति का दरवाजा खोलना है तो ईश्वर के साथ हमारा संबंध ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो, प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो।
जब भगवान से आप कहो मैं जो चाहता हूँ आप कर दो, तो आप बंधन में भगवान मुक्त, और भगवान से कह दो जो आप करावो हम करने को तैयार हैं, तो हम मुक्त भगवान बंधन में। मेरी मर्जी है भगवान इसको पूरी करे, कर भी दे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ेगा, कर भी दे क्योंकि मर्जी जिसकी बंधन उसको। यदि हम कहते मेरी इच्छा है प्रभु भगवान पूरी कर दे, तो हम बंधन में भगवान मुक्त हो गए। जिसने भगवान को बांधा उसको मुक्ति मिली है। गोपियों ने भगवान को बांधा तो मुक्ति की अधिकारी हो गई, मुक्ति उसकी दासी बन करके गोपियों के चरणों में लग गई। हमारा स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो, मुक्ति गोपियों के पीछे पड़ गए बेचारी। घर घर भिक्षा लेने वाली की तरह वृंदावन में मुक्ति घर घर कटोरा लेकर घूमती है, मेरा स्वीकार करो मेरा स्वीकार करो मेरा स्वीकार करो। वृंदावन में कोई उसको अपनाने कोई तैयार नहीं, घर में जगह देने कोई तैयार नहीं, घर का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ हमारा श्याम सुंदर नहीं है। हम बिठावे का मुक्ति बाई को जगह नहीं हमारे जीवन में कहीं, क्योंकि भगवान को बांधा। गोपियों ने रस्सियों से या दरवाजे से जैसे कहो, लेकिन आध्यात्मिक भाव तो यही है कि ईश्वर को इस तरह से बांधा जाता है कि प्रभु इच्छा आपकी और जो आपकी इच्छा है वो मेरा कर्तव्य है। तो भगवान बंधन में हम मुक्त हो गए। जब हम ये कहे कि प्रभु मेरी इच्छा आप पूरी करो तो हम फंस गए, भगवान मुक्त हो गए। बहुत सरल बात है मुक्ति का, ये सरलतम उपाय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पापों से तो ऊपर उठाती है, पुण्य से भी ऊपर उठाती है, क्योंकि पाप जन्मों का कारण है, पुण्य भी जन्मों का कारण है। और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक बीज एक वृक्ष का कारण है, लेकिन एक वृक्ष कितने बीज का कारण है। हमारा एक जन्म, हमारा कोई एक, हमारी कोई एक इच्छा हमारे एक जन्म का कारण हो जाती है, लेकिन हमारा एक जन्म कितने कर्मों का कारण बनेगा, क्या कोई निकल सकता है इसमें। आज हम किसी को आना पड़ा दुनिया में तो हमारी हमारी कोई एक वासना कहीं ना कहीं हम चिपके रह गए, एक वासना एक जन्म का कारण बन गई, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कितने कर्म करेंगे, कितनी इच्छाएं कितनी वासनाएं। तो एक वृक्ष लाखों बीज का कारण बन जाता है, लाखों बीज करोड़ों वृक्षों का कारण बन जाएगा, तो फिर करोड़ों बीज अनगिनत वृक्षों का कारण बन जाएगा। कैसे मुक्ति होगी हमारी, एक कर्म के कारण एक जन्म लेना पड़ेगा, चाहे पाप करो तो भी चाहे पुण्य करो तो भी। इसलिए भागवत में ये बात नहीं आएगी कि पाप न करो पुण्य करो, भागवत की तो यही बात आएगी कि भगवान जो करावे करो बस, इच्छा उसकी। वो जो कराना चाहे इस शरीर से हम कर, सहज ही हमको जो जिम्मेदारी हमारे जीवन में आई है हम उसको अच्छे से निभाए,
वो करावे वो करे। इस हेतु से भागवत के सभी प्रकरणों को मोक्ष दृष्टि से देखना पड़ेगा, क्योंकि तब तक मुक्ति नहीं होती जब तक बंधन का रूप समझ में नहीं आता। आजकल मुक्ति की बातें तो बहुत लोग कर लेते हैं, हम भी करेंगे, आप लोग कर लोगे, लेकिन किससे मुक्ति, तो ये तो बताओ ना, चाहे ना कि मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन किससे? घर से, परिवार से, बच्चों से, पैसों से, काम धंधे से, सांसारिक व्यवहारों से, सांसारिक संबंधों से, आखिर मुक्ति चाहिए, ठीक है, लेकिन किससे? बंधन के स्वरूप से अज्ञात हो उसके मुक्ति के हर उपाय व्यर्थ होते हैं। श्रीमद् भागवत पापों से और पुण्य से सभी प्रकार की कर्म वासना से बचने की बात, कर्म से बचने की बात नहीं कर रहे, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म वासना से ये हो जाए वो हो जाए, ये ना हो जाए तो ठीक है, ये हो जाए तो ठीक है, कर्म वासना से। बड़ी प्रसिद्ध बात भगवत गीता में ये रही, कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये, लोग कहें भाई कृष्ण ने जो कह दिया कि कर्म किया करो, मतलब नौकरी करो, वेतन की परवाह मत करो, ऐसे किस रहे? लेकिन यहाँ बात न पाप करो न पुण्य करो, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब ये है कि संसार में आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है, और जिसके प्रति आपने कर्तव्य निभाया वो भी निभावे, ये जरूरी नहीं है। आजकल ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलेगी आप कि हमने उनके लिए इतना किया, 2 साल पहले इतना किया था, 5 साल पहले भी इतना किया था, इसके पहले भी हमने इतनी इतनी बार, लेकिन जब हमें थोड़ी जरूरत पड़ी फोन भी नहीं उठा, हमने इतना इतना किया था तो उन्हें इतना तो समझना। तो हमारा कर्तव्य कहा है, हमारा वश हम पर ही चलता है ना, हमारा जो बस हम पर चलता है, घर के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, परिवार के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पत्नी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सबके लिए मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसको मेरे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, वो तो स्विच भी नहीं है हमारे पास, उसकी स्विच क्या हमारे पास है, उसकी स्विच उसके पास है, और हम उस स्विच में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, उसको ये करना चाहिए, तो वह हमारा अधिकार नहीं होता। मा फलेषु कदाचन, मैंने अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया, मुझे इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए, मुझे इस बात का संतोष होना चाहिए, इस बात का मुझे आनंद होना चाहिए, मुझे जो करना चाहिए वो मैंने किया, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर उसने क्या किया, ये दुनिया ही अलग है, और वहां हमारा अधिकार नहीं है। वो भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां कर्म का हिसाब आ जाता है, वहां पिछले जन्मों का भी कोई कारण आ जाता है, हम केवल देनदार थे लेनदार थे ही नहीं, हमें केवल देना ही बाकी था लेना बाकी नहीं था, तो उसको सूझेगा भी नहीं, ये भी है उसका दोष नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने कर लिया था जो करना, हमें नहीं किया था,
हमारा ही तो बाकी था केवल। तो फिर हम करेंगे, खूब करेंगे, लेकिन उसको करने का टाइम आएगा तो वो नजरअंदाज कर लेंगे, कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी कर लिया है। इसलिए ऐसा उनको सूझेगा भी नहीं शायद, ऐसा उसके मन में भी नहीं आगे कि हम भी कुछ चाहकर भी न कर पाए, ये भी संभव है। इसलिए माँ फलेशु कदाच, इस बात पर लोग कम ध्यान देते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, सब उसी बात पर ज्यादा जोर देते कि उसका कर्तव्य क्या है, बहू का कर्तव्य क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। हम तो उसी पे जोर लगाते, पूरा स्वयं के कर्तव्य पर उतना जोर लगाते, बेड़ा पार हो जाता। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं ये बात निश्चित है, चाहने न चाहने पर भी हमें उसका लाभ तो होना ही होना है। कर्म के विषय में कलयुगी लोगों की सोच ऐसी है, कर्म के विषय में कलयुगी लोग का व्यवहार भी ऐसा है कि जब कोई दुखी हुआ तब आप कहोगे कर्म का परिणाम भुगत रहा है, और जब खुद दुखी हुए तब कहते जमाना खराब है। हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई पाप नहीं है, कोई हमारा कोई कर्म नहीं है, जमाना खराब है। कोई दूसरा दुखी हुआ तो आप कहोगे कि नहीं जमाना तो अच्छा है, लेकिन वो अपने किए कर्मों का फल भुगत रहे, उसके कर्मों का नतीजा है, भोगे। जब दुख अपने जीवन में है तब तब ये बात नहीं आती कर्मों का परिणाम है, तब तो कहोगे जमाना बहुत खराब है, देखो कितना जमाना कैसा आ गया जमाना, नहीं तब कर्म नहीं, दूसरा दुखी तब कर्म, खुद दुखी तब जमाना। भगवान जो करावे उसको करने में बड़ा आनंद होता है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, हमारे लिए तो दोनों ही प्रसाद हो जाए। वो जो करावे हमें करना है, ठीक है, हम जीवित लोग हैं इसलिए कोई ना कोई संकल्प हमारे मन में उठेगा, हम अच्छे अच्छे काम का विचार किया करें, लेकिन दुराग्रह ना हो कि ये होना ही चाहिए, इसका कोई दुराग्रह नहीं। भगवान करावे तो करना है बस, भगवान करावे तो हमें ये करना, भगवान की इच्छा हो तो हमें ये करना, लेकिन भगवान ने कराया तो ठीक है, नहीं कराया तो बहुत ठीक है। इस प्रकार के कर्मों में बंधन नहीं बनता, क्योंकि इच्छा उसकी तो बंधन उसका, इच्छा हमारी तो बंधन भी हमारा, इसी दिन श्रीमद् भागवत इस विषय में अद्भुत है। अच्छे से भागवत को जिसने पिया है वो न तो पाप करेगा न तो पुण्य करेगा, वो ही करेगा, भगवान उसके द्वारा जो कराना चाहेगा। बना खिलौना तेरा, जो चाहे तू खेल खेल ले, क्या बिगड़ेगा मेरा। बना खिलौना तेरा, हम तो खिलौना बन कर रहे हैं। प्रभु की कृपा जलाई, राक्षसों को मारा, सीता जी तक अंगूठी पहुंचा ली, चूड़ामणि ले ली, इतना बड़ा कार्य सिद्ध करके, और 1200 किलोमीटर समुद्र, ये कोई पंख वाला जीव नहीं था कि उड़े, लेकिन 1200 किलोमीटर की उड़ान,
हनुमान जी ने लगाई ये पंख वालों की उड़ान नहीं थी, विश्वास की उड़ान थी। ये विश्वास वाले की उड़ान थी। पंख वाला भी इतना नहीं उड़ सकता जितना भरोसा वाला उड़ता है। इतना कुछ करने के बाद भी उनका जवाब क्या था? प्रभु की कृपा है ये सबका जू, प्रभु की कृपा है ये सबका जू, जन्म हमारे सफल भाजू, जन्म हमारे सफल करके हनुमान जी आ गए। लेकिन उसके बाद भी प्रभु की कृपा भयो सब कर्म बनेगा ही नहीं, बीज बनेगा नहीं, गांठ बनेगी नहीं, जन्म का कोई कारण ही नहीं बन पाएगा। कभी कभी हम लोगों में सिर्फ कार्य सिद्धि में संदेह हो तब तो हम ये सोचते कि भगवान करा दे भगवान करा दे, लेकिन कार्य सिद्धि हो गई तो उसके बाद उसका आश्रय खुद पर ले लेते कि हमने बहुत मेहनत की थी, तब भी बंधन हमारा बन गया। कार्य करने के पहले वासना न हो, कार्य के दौरान चिंता न हो और कार्य सिद्धि के बाद अहंकार ना हो तो हमारे शरीर से भगवान ने किया ये कर्म नहीं बनेगा। ये तीन प्रमाण और ये तीनों ही स्थान में आपको देखना पड़ेगा। कार्य करने के पहले वासना ना हो, उसने किया तो मैं भी करूंगा, किसी ने किया तो मैं भी कुछ कम नहीं करके दिखा दूंगा, ये नहीं। कार्य के पहले वासना न हो। भगवान ने सहज योग दिया किसी काम का हमने किया, लेकिन कार्य करते समय चिंता नहीं होनी चाहिए। और कार्य सफल हो गया तो उसका अहंकार न हो, ये काम आपने नहीं किया, काम आपके शरीर से भगवान ने किया, वो बंधन ना आपका नहीं बनेगा। प्रभु की कृपा भयो सबका, प्रभु की कृपा भयो सबका, शरीर के द्वारा जो कुछ हुआ वो न पाप बने न पुण्य बने। इस प्रकार की कर्म पद्धति को भी यज्ञ कहते हैं, वो कर्म यज्ञ है जिससे पाप और पुण्य कुछ नहीं बना। श्रीमद् भागवत कर्म छुड़ाता नहीं है, कर्म वासना छुड़ा देता है। कर्ता पने का
अहंकार छुड़ा देता है। जब कर्तापने का अहंकार छुट गया तो इस प्रकार के एक नहीं, इस प्रकार के बहुत काम कर लोगे और बहुत हल्केपन से। उस स्थिति की बातें हैं श्रीमद् भागवत में। आज हमें बहुत जल्दी कथा प्रसंग में प्रवेश करना है। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा सुना रहे 88,000 ऋषियों को, शौनकादि ऋषियों को। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे और प्रधान प्रवक्ता प्रधान श्रोता के रूप में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे। महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद की परंपरा का दर्शन कराया और अब महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत की परंपरा के बाद, जिसको व्रत प्रिय है वो प्रियव्रत है, जो व्रतियों को प्रिय है मतलब संतों का प्रिय है वो भी प्रियव्रत है। लेकिन व्रत क्या होता है? व्रत कहते हैं हम अपनी व्रतियों को भटकने न दें, इसका नाम व्रत है। एकादशी वगैरह व्रत हम जो करते हैं वो प्रैक्टिस है, वो हमारी प्राइमरी कक्षा और ये जरूरी है कि आज पूरा एक दिन हमें अपने व्रति को रोटी में नहीं जाने देना है, चावल में नहीं जाने देना है, दाल में नहीं जाने देना है, उसमें नहीं जाने। तो ये जो है ये हमें अपनी व्रति को रोकने का एक एक छोटा अभ्यास है। व्रतियों को हमें मोड़ना है भगवान की ओर। अब जानते हैं कि बाहरी हवामान खराब हुआ तो कितना बड़ा, कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। बाहरी हवामान अगर खराब हुआ, तूफान, ये बाहरी हवामान बिगड़ा तो कितनी बड़ी हानि हो जाती है। बाहर जो है वो हवामान है और भीतर जो है वो वर्तमान है। भीतर की वृत्तियों को वर्तमान कहते हैं महापुरुष। ये वर्तमान है, बाहर हवामान है। हवामान अगर खराब हुआ तो बहुतों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन वर्तमान खराब हुआ तो उतना ही खुद का नुकसान हो जाएगा अंदर से। अच्छा, कभी हवामान खराब हो जाए लेकिन वर्तमान खराब नहीं हुआ तो हम बच जाएंगे, प्रकृति हमारी रक्षा कर दे। अरे पूरी लंका जली, सोने के महल जल गए थे, तब भी विभीषण की घास फूस की कुटिया नहीं जली थी, क्योंकि हवामान बिगड़ा था, विभीषण का वर्तमान नहीं बिगड़ा था। स्वयं से अपना भीतर का हवामान उनका नहीं बिगड़ा था। वृत्तियों का तूफान खतरनाक है और स्वयं की वृत्तियों का तूफान न बनने दे। वृत्तियों का मोड़ समय समय पर, मंदिर में है तो हमारी वृत्ति मंदिर में ही होनी चाहिए, सत्संग में है तो हमारी वृत्ति सत्संग में होनी चाहिए, भोजन करो तो आपकी वृत्ति भोजन में होनी चाहिए। ये बात भी ठीक नहीं है कि आप घर में और वृत्ति मंदिर में चले गए, परिणाम ये होगा जैसे आप मंदिर जाओगे वृत्ति घर चली जाएगी, आपकी वृत्ति आपके साथ रहने को तैयार नहीं, मतलब ही होता है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप कहते हैं कि हम तो घर में होते हैं
तो भी हमारी वृत्ति भगवान में मंदिर चले जा रहे हैं। परिणाम ये होगा कि जब आप मंदिर जाओगे तो आपकी वृत्ति फैक्ट्री पे चली जाएगी, आप फैक्ट्री जाओगे तो वृत्ति घर चली जाएगी, आप घर जाओगे तो फिर वृत्ति मंदिर चली जाएगी, जैसे आप मंदिर गए तो वृत्ति दुकान चली जाएगी। मतलब तो यही हुआ ना कि आपकी वृत्ति आपके साथ रहने को तैयार नहीं। हम जहाँ रखना चाहे हमारी वृत्ति वही रहे, इसको कहते हैं कि हमारा वर्तमान स्थिर है। जरूर हम घर रहे और वृत्ति को भेजना चाहे मंदिर, और जाए ठीक हमें भेजा जाए, लेकिन अपने आप वृत्तियों का भटकाव है, ये वृत्तियों का तूफान है, और ये भी अच्छी बात नहीं है। अंत समय में वो आपको भजन नहीं करने देगी, ये वृत्ति अपने आप बिना ब्रेक की है, बिना ब्रेक की गाड़ी है, अपने आप चली जाती है मंदिर और आपको अच्छा लगता है, और अपने आप चली जाएगी संसार में, और एक ऐसे मौके पर जाएगी कि जब भगवान में लगना चाहिए तब भी नहीं जाएगी। वृत्तियों का मोड़ हमारे वश में हो, हम जैसा चाहे अपने अपनी वृत्तियों को, जब बच्चों में लगाना चाहे बच्चों में लगाओ, जब घर में लगाना चाहो लगाओ, जितनी लगाना चाहो कि भाई इतनी तो बच्चों में लगानी चाहिए, इतनी घर में लगानी चाहिए, इतनी पैसों में भी लगानी चाहिए, इतनी व्यवसाय में भी वृत्ति लगानी चाहिए, और जितनी चाहो उतनी उस दिशा में वृत्तियों को लगाओ, तो वृत्तियों के ऊपर हमारा विजय है। ये वर्तमान है, अपने आप चली जाए, ये कोई सफलता नहीं है। कभी भगवान में भी लग गई लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अपने आप गई इसलिए ठीक नहीं है। प्रियव्रत जी का बचपन अपने गुरु की कुटिया में बीता है, नारद जी की कुटिया में बीता है, गुरु सेवा में बीता है, और ये बात पूरे विश्व में प्रमाणित है कि गुरु सेवा और गौ सेवा की शक्ति जिसको भी प्राप्त हुई है उसकी शक्ति अद्वितीय होती है दुनिया में, उसके बराबर कोई नहीं हो पाएगा। वो अद्वितीय सफलता को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है जिसकी उन्नति का आधार गाय और गुरु। उसी को गोमती कहते हैं, भागवत का हो रहा है नैमिषारण्य में, गोमती के तट पर हो रहा है। तो गोमती क्या है? जिसकी बुद्धि गुरु की सेवा में समर्पित हो और गाय की सेवा के लिए संकल्पित हो, ऐसी मती का नाम है गोमती। ऐसी मती, ऐसी बुद्धि जो गुरु के प्रति समर्पित हो और गो सेवा के लिए संकल्पित हो, कि हम गाय के लिए इतना निकालेंगे, हम गाय के लिए इतना हिस्सा रखेंगे, हम जो कमाते हैं इसमें से इतना हमारा है ही नहीं, इतना गाय का ही है, अगर हमने ले लिया तो गाय का ले लिया है, ये गाय का ही है। तो इस प्रकार संकल्प पूर्वक जो गाय की सेवा करते हैं, गुरु के प्रति समर्पित और गाय के प्रति संकल्पित बुद्धि, इसका नाम है गोमती। और गोमती के तट पर भागवत होगी तो निश्चित ही हमारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन इसके लिए वक्ता श्रोता दोनों को ही अपनी बुद्धि को गोमती बनाना पड़ेगा, अपनी मति को गोमती बनाना पड़ेगा। यदि वक्ता की मति भी गोमती, श्रोता की मति भी गोमती है, तो कथा भले ही इंदौर में हो लेकिन वो गोमती के तट पर ही मानी जाएगी। निश्चित ही दुनिया से हटकर कोई असाधारण शक्ति का धनी वो व्यक्ति हो जाता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा है और गायों की जिन पर कृपा है।